हाँ जी यस सर, वो मैंने कल ही अपनी जॉब से रिजाइन करा है। ओ बहुत बढ़िया वीर है। अब क्या करेगा? जी, रोज घर से ऑफिस के कैब में आपका बाहर वाला बोर्ड देखता था, तो सोचता था जब भी जॉब छोड़ूंगा यहीं से काम शुरू करूंगा। ओ अच्छा वीर, इससे पहले कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कंसेप्ट क्या है, मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूँ। मैं तुम्हें आधा मिनट दूंगा अपना आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तुम मुझे आधे मिनट में कन्विंस नहीं कर पाए तो तुम आधे दिन में भी नहीं कर पाओगे। और अगर मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा तो तुम्हें मिल जाएगा लेम में एक परमानेंट सीट, लेकिन उससे 1000 गुना वैल्यूएबल चीज जो तुम्हें मिलेगी वो होगी भी मेरी मेंटरशिप। और इन सब का तुम्हें देना होगा केवल अपनी कंपनी का 5%, ओनली 5%। जी ठीक ही साउंड कर रहा है। तो बेटा हो जा चालू। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है? क्या है जिसके बिना हम एक दिन भी नहीं जी सकते? वो है खाना। मैं इस देश का खाना खाने का तरीका ही बदल देना चाहता हूँ। हम लोग मिलेनियम से खाना खा रहे हैं और इस वजह से हमारा खाना खाने का स्टाइल भी मिलेनियम्स पहले वाला ही चल रहा है। लेकिन क्या होता अगर इंसान आज के साइंटिफिक नॉलेज के साथ अपना खाना डिजाइन करना शुरू करता? देखो ऐसा है कि जो तुम्हारा आइडिया है मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ, लेकिन हियर एट लेम वी डोंट जज दी आइडिया, वी जज दी पर्सन। और बंदा तू माड़ा नहीं है, तू सही लग रहा है मुझे। मुझे तेरे इस आइडिया के लिए जो पैशन ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मेरी तरफ से मित्तल साहब वेलकम ऑन बोर्ड है जी। ये थैंक यू सो मच स्टीव जी। लो जी साइन कर दो पेपर। मैं आज से ही शुरू हो जाता हूं। वैसे आप क्या करते हैं स्टीव जी? अजी मैं इस देश के अगले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा हूँ जी। वैसे नाउ दैट वी आर फ्रेंड्स, ये तुम्हारी बनियान दिखाई दे रही है। हाँ, ये हमेशा बाहर आ जाता है। ओ जी हमेशा, तो जी आज से तुम्हारा नाम पड़ गया बनियान मैन। हेलो जी, माइसेल रोहन। हेलो नितिन जी, आप भी अपना बिजनेस चलाते हो? बहुत ही बढ़िया जगह है ये, और ऊपर से स्टीव जी जैसा मंझा हुआ आंट्रप्रेन्योर गाइड करने के लिए भी। तुम्हें कैसे पता मंझा हुआ? इतना बढ़िया सेंटर चलाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी भी चला रहे हैं, कुछ तो आता ही होगा उनको। इस जगह आते हुए ग्राउंड फ्लोर पर स्टील का कारखाना देखा था? वो स्टीव के बापू ने चालू किया था, उसी से रोजी रोटी चलाता है वो। ये जगह भी बापू ने खरीद के दिए उसे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकिपीडिया पेज का रट्टा मारकर लोगों को ज्ञान देते रहता है, आता कुछ भी नहीं। लेकिन स्टीव तो और ये नाम स्टीव, असली नाम है सत्य प्रकाश। अब ये बाहर की दुनिया में चूतिया बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अब तुझे अपना दिमाग चलाना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ये बता कि तू करता क्या है? जी, मैं ये खाने का आइटम बेचता हूँ। वाह, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, क्या है ये? जी पतंगे के बेसन से बना पकोड़ा। पतंगा? भैंचो, वो टट्टी पर बैठने वाले कीड़े! साले, वेजिटेरियन आदमी को महा एकादशी के दिन पतंगा खिला दिया? सॉरी भाई, पूछना भूल गया कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। कोई नहीं, रात को मंदिर जाके माफी मांग लूंगा भगवान से। हम तो वैसे भी मंदिर जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं, पर ये तेरे पकोड़े नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बढ़िया नॉवेल्टी हो सकती है। पर लोग दुकान में जाकर क्या बोलेंगे? भैया मुझे 1 किलो कीड़े दे दो। मैंने सब रिसर्च कर ली है, कम से कम $500 मिलियन का मार्केट है कीड़ों का। चिकन से ज्यादा प्रोटीन होता है कीड़ों में, और ऊपर से रेट में आधा। पता नहीं भाई, पर
मैं तो यही सोच रहा हूं कि इतनी बदसूरत चीज को कौन अपने मुंह में डालेगा। भाई कभी रेस्टोरेंट में लोगों को बिच्छू खाते हुए देखा है? एक टाइम पर लोग बिच्छू को समुंदर का कॉकरोच बुलाते थे। आज एक डिश 2,000 से कम की नहीं मिलती रेस्टोरेंट में। वैसे ये कीड़े बेचने का तूफानी आइडिया तुझे कहां से आया? वो एक बहुत लंबी कहानी है। बेटा तेरे दादा की कुछ पुरानी फोटो ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। गैराज में देख दे जरा। हाँ ये कॉल खत्म करके देखता हूँ। हाँ, अब तो तेरी कॉल मेरे से ज्यादा ज्यादा जरूरी होंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ तू है मेरा। तेरे माँ बाप भी एक्सीडेंट में चल बसे, दादा भी कैंसर के बलि चढ़ गए, और अब तू भी पूरी दुनिया में सबसे आखिरी प्रायोरिटी में मुझे रखता है। अरे दादी इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, अभी जाता हूँ। क्या कर रहे हो दादी? बेटा तू तो जानता ही है कि मेरी लाइफ का सपना है यूट्यूब स्टार बनना। अंदर कैमरे तो मैंने पहले लगा दिए थे। ये कैसा वीडियो है दादी? इस वीडियो का नाम है देखिए 3 दिन तक गैराज में बंद रहना आपके दिमाग का क्या हाल करता है। 3 दिन? कैसी दादी है मेरी? लोगों की दादी उन्हें बिठा बिठा के खाना खिलाती है और मेरी दादी ने मुझे बिना खाने के यहां लॉक कर दिया। भूख से फट चुकी है। अरे ये तो इतना बुरा नहीं था। नाइस। ओ कहानी में तो काफी दर्द है, पर ये पकोड़े तुमने बनाए कैसे? पतंगों को रोस्ट करके पीस कर बेसन में मिक्स कर दिया। और क्या क्या बना लेते हो? पतंगे पराठे, मच्छर मफिन, झिंगूर झालमुड़ी, चींटी की चटनी और ततैया थेपला। समझ नहीं आ रहा उल्टी करूं या ताली बजाऊं। आप क्या करते हो नितिन भाई? हम क्या करते हैं ये तो हम भी अभी तक समझ ही रहे हैं। बस सरकारी दफ्तरों में धक्के खा के कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते रहते हैं। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट? अरे जिस काम में भी पैसा मिल जाए। काम तो हम कुछ भी करा सकते हैं इस दुनिया का, बस कंडीशन ये है कि प्रोजेक्ट कम से कम 10 करोड़ का होना चाहिए। सो अद्रिजा, यू वॉन्ट टू बी एन इंटर्न एट केकेएल एंटरप्राइजेस? यस सर। सो यू नो आर बिजनेस मॉडल, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस? सर आप मुझे एक बात बताओ, सपोज आप एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट हो, इस बिस्किट पर अगर कॉकरोच चल रहा होगा तो आप इसको खा पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि कॉकरोच गंदे होते हैं। अच्छा, और अगर मैं कॉकरोच को नहला दूं तो? तो भी नहीं, बात कॉकरोच के सही में गंदे होने की नहीं है, बात उसकी शक्ल की है। एग्जैक्टली, बात सच्चाई की नहीं है, बात परसेप्शन की है। यू आर हायर्ड। अरे हाँ, कल पक्का पक्का आपको रेंट मिल जाएगा माहेश्वरी जी। बिल्कुल बिल्कुल। You're the new guy, right? Hi, I'm Kanika. आई एम रोहन। तो तुम कीड़े बेचते हो? जी बिल्कुल, क्या लगता है आपको, लोग कीड़े खरीदेंगे? देखो, कीड़े तो हम सभी खाते हैं, कीड़े तो गेहूं में भी होते हैं, पर वो हमें बस दिखते नहीं हैं। शायद तुम्हें इसका नाम कुछ और देना चाहिए। हाँ, मतलब इसको चावल में डालो और बिरयानी की जगह इसको बुलाओ किरयानी। हाँ लेकिन इस बार इसके आगे नॉनवेज लिखना मत भूलना। सर किरयानी इज एन एब्सोल्यूट हिट, 6 नंबर टेबल ने तो 2 और प्लेट का ऑर्डर दे दिया है। ये तुम्हारी नई रेसिपी तो टोटली हिट है। सर
सात नंबर टेबल वाले किरयानी खा के बिल्कुल फील में आ गए और शेफ से बात करना चाहते। जी पूरी दुनिया घूमी है मैंने लेकिन ऐसा कुछ नहीं खाया, क्या डाला है इसमें? भाई चक्कर ये है कि तू कुछ ऐसा बेच रहा है जिसकी लोगों को जरूरत ही नहीं है। भाई मैं अच्छा खासा दाल रोटी खा रहा हूं, क्यों खाऊं मैं कीड़े? हाँ अब मुझे समझ आ गया है कि एक दीवार को धकेलते रहने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, गिव अप करने का टाइम आ गया है। अरे हाँ माहेश्वरी जी, कल शाम तक आपको पक्का रेंट मिल जाएगा। अरे यार नितिन, कोई पॉसिबल क्लाइंट बताना जो बिजनेस में दिक्कत में हो, किसी को कंसल्ट करो तो साला रेंट का तो पैसा आए। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मेरे लेफ्ट वाला प्रॉब्लम है और राइट वाला सोल्यूशन। इसको बिजनेस में डायरेक्शन समझ नहीं आ रही और तुम डायरेक्शन दिखाने के ही धंधे में हो। नहीं मेरा मन तो बन चुका है, अभी फोन करूंगा तो शायद बॉस जॉब में वापस भी ले लेगा। एक काम करते हैं, मुझे कल तक का टाइम दो, अगर मैं कुछ हेल्प कर पाई तो तुम मेरा इस महीने का रेंट दे देना, वरना तुम वापस अपनी जॉब में। डील। 1970s में कनाडा में जापानीज रेस्टोरेंट्स एग्जैक्टली वही चैलेंज फेस कर रहे थे जो रोहन अब फेस कर रहा है। जहां जापानीज लोग सुशी को भूखे भेड़ियों की तरह साफ कर देते थे, कैनेडियन जनता बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर रही थी। उनके लिए अनहाइजीनिक कच्ची मच्छी खाना एक बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकत थी। ऊपर से सुशी के साथ रेस्टोरेंट सीवीड भी बेच रहे थे। इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी रॉ फिश को राइस के साथ मिक्स करके एक रोल बनाया और उसका नाम रखा कैलिफोर्निया रोल। लोगों के लिए ये रोल खाना रिलेटिवली काफ़ी आसान लगा। इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ गेटवे रोल टू अनदर काइंड ऑफ सुशी। स्टेप बाय स्टेप लोग सुशी को ट्राई करने लगे। और दूसरी चीज़ जो हुई वो थी कि इस टाइम के सारे रॉक स्टार्स अपनी अजीब पने की इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के आइडियाज ढूंढते रहते थे। रोलिंग स्टोन, ACDC, एरोस्मिथ, इन सभी लोगों को सुशी खाना एक सिंपल तरीका लगा अपनी आउटकास्ट होने की इमेज को स्ट्रॉन्ग करने का। और उनको देखकर सारे टीनेजर्स भी सुशी खाना चालू हो गए। तो कीड़े को मेनस्ट्रीम बनाने के लिए हमें दो चीज़ें करनी होंगी। फर्स्ट, वी नीड टू क्रिएट अ गेटवे फूड आइटम जो लोग खा सकें। एंड सेकेंड, हमें कुछ सेलिब्रिटीज को कन्विंस करना होगा कीड़े खाने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि वो अगर कीड़े नहीं खाएंगे तो वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं। और ये हनी सिंह तो मेरे चाचा का पड़ोसी है, उससे बात की जा सकती है। नहीं हनी सिंह नहीं, हमें कोई रिस्पॉन्सिबल टाइप सेलिब्रिटी चाहिए जिसे लोग प्यार तो करते हो पर जिसकी इमेज एक हार्ड वर्किंग सिंसियर प्रोफेशनल की भी हो। जैसे कि कौन? कैटरीना कैफ। खाने में चाहे अच्छे हैं, कीड़े हमारे बच्चे हैं। खाने में चाहे अच्छे हैं, कीड़े हमारे बच्चे हैं। खाने में चाहे अच्छे हैं, कीड़े हमारे बच्चे हैं। कैटरीना जी पता नहीं क्या होगा इस देश का, जो भी करो चार लोग आउटरीच लेकर पहले खड़े हो जाते हैं। इंसान अपनी मर्जी से कीड़े भी नहीं बेच सकता। मेरा पहला बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो गया।